हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। जैसे कि आपको पता है, गर्मी बड़ी ज़ोरदार पड़ रही है, तो इसके लिए हमें घर में ही कुछ ठंडी ठंडी ड्रिंक बनानी चाहिए, जिससे हमें गर्मी से काफ़ी राहत मिले। इसके लिए मैं आपके लिए आम पन्ना की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं आम पन्ना हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ये मैंने 3 आम लिए हैं। वेट में देखें तो ये 1/2 किलो के करीब होंगे। एक कुकर लेंगे, उसके अंदर हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और आम का ये ऊपर से जो ये टहनी का ऊपर से लगा होता है, इसको हम छील देंगे, साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम कुकर में रख लेंगे और कुकर का बंद करके इसकी 2 विसल दिलवा देंगे। 2 विसल आ गई हैं और ये देखिए हमारे आम काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपने कुकर तभी खोलना है जब स्टीम पूरी तरह से निकल जाए। अब हम इसको एक करछी से आम को निकाल लेंगे और जो ये पानी बचा हुआ है इसको भी हम यूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये भी बहुत खट्टा है, आम का काफ़ी असर इसमें चला जाता है। अब हम सबसे पहले इनका छिलका उतार लेंगे। सबका छिलका उतार लिया। अब इसको हम हाथ से, अगर मैश करना चाहें तो हाथ से ही इस तरह मैश कर सकते हैं, या फिर आप चाकू से भी इसको निकाल सकते हैं। ये हमने सारा गुद्दा निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार के अंदर इसको डाल के इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको फिर उसी बॉल में निकाल के रख लेंगे, उसी बॉल के अंदर पेस्ट को डाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 2.25 कप मैंने चीनी डाली है और 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम जो अम्बी का जो पानी बचा था उसी को हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 कप स्टील की कढ़ाई लें, आपने एल्युमिनियम की कढ़ाई बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, या फिर आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब हम इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे चीनी को, जब तक ये घुल नहीं जाती चीनी। ये क्योंकि हमने आंबी का पानी खट्टा था वो डाला है, इसलिए ये झाग ऊपर आ गया है। आप चाहें तो इस तरह से झाग को इकट्ठा करके फेंक भी सकते हैं। फेंक दे इसको। वैसे हमारी चीनी जो है वो बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ खटाई का झाग आ रही है। अब जैसे जैसे इसको हिलाएंगे इसमें थोड़ी झाग आ जाएगी। अब हम इसको चेक करेंगे, एक तार की चाशनी बन गई है। जब एक तार की चाशनी बन जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ये अब हमारी एक तार की चाशनी बन गई है। अब हम इसके अंदर जो पेस्ट बनाई हुई थी वो सारी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, गैस को सिम कर लेंगे। अभी ये पेस्ट अच्छी तरह से चीनी के अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। आप चीनी की जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चीनी 1.25 कप लिया है तो आप गुड़ 2 कप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा मीठा कम होता है गुड़ में, इसलिए वो थोड़े सा ज़्यादा डालते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह से इसका मिक्स हो गई है पेस्ट। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है, काला नमक 1 चम्मच और जीरा 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, और इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हिला लें ताकि जो मसाला डाला है वो मिक्स हो जाए। अगर नहीं मिक्स हो रहा उसको थोड़ा करछी से इस तरह से आप साइड से मैश कर लेंगे तो वो हो जाएगा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक या जो भी आप नमक यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। 1 चम्मच काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच जो सादा नमक होता है, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए अच्छी तरह से हमारा आम पन्ना बॉयल हो रहा है। अब हम इसके अंदर पुदीना, सुखाया हुआ पुदीने का मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, 2 चम्मच वो डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो फ्रेश पुदीना होता है उसको पेस्ट के साथ ही ग्राइंड कर लें उसको, और उसको भी आप ऐसे भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सूखा हुआ पुदीने का पाउडर डाल दिया है, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं और
आम पन्ना हमारा अच्छी तरह से पक भी चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको किसी कांच की बोतल में या कांच के जार में डाल के रख लेंगे। अच्छी तरह से ये पका हुआ है, आप इसको अगर बाहर भी रखेंगे तो एक महीना चल जाएगा, फ्रिज में रखेंगे तो पूरी गर्मी आपका चल सकता है। वैसे इतना बचता ही नहीं है, बच्चे फटाफट पी जाते हैं इसको, क्योंकि गर्मी है। कोई घर में आए उसको भी आप ये अच्छा ड्रिंक पिला सकते हो, बाजार के ड्रिंक से ये घर के ड्रिंक जो हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं और हमारी गर्मी भी दूर करते हैं। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ कि ये आम पन्ना कैसे बनाया जाता है। 2 गिलास लेंगे कांच के और उसके अंदर हम ये वाला आम पन्ना डाल देंगे। जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। मैंने 4-4 चम्मच डाले हैं। अगर बहुत कम मीठा पीते हैं तो 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर चिल्ड वाटर डाल देंगे और इसको चम्मच से हिला लेंगे अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ी सी इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। बस ये हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे पुदीने से, पुदीने की पत्ती से। तो ये हमारा आम पन्ना बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी आम पन्ना की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।